जय माता जी। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। देखिए माता रानी की जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, 6 बज गया। इधर मैं झाड़ू लगा ली थोड़ा थोड़ा, उसके बाद प्रीति इधर लगा रही है, तो जा रही हूँ सवेरी नहाने के लिए। तो आप सब भी बोलिए जय माता जी। देखिए माता रानी मेरी जय माता के, देखिए जय माता मेरी जय माता। देखिए जाम गई है, तो चलते हैं दोस्तों नहाने के लिए। देखिए दोनों का कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ। देखिए मैं अपना मंदिर थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ, एक ही जैसे कपड़ा पहनी हूँ। आप लोग मत कहिएगा कि एक ही कपड़ा पहनी हुई है, तो मैं एक ही थोड़ा सा मतलब इधर उधर है, लेकिन लगता है कि एक ही जैसे है। तो मैं फिर पहन ली हूँ उसी वैसे ही कलर का, तो आप लोग लगेगा कि एक ही कपड़ा पहनी है। नहीं, मैं एक ही नहीं पहनी हूँ, थोड़ा सा मतलब मैचिंग होता है, एक जैसे नहीं है, अलग से लगता है कि एक ही कपड़ा है। तो मैं नहा के आ गई, अपना पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। आकाश गया है नीचे केला लाने के लिए, दूध उध लाने के लिए, और पानी भी नहीं भरा है दोस्तों, तो पानी आज लेट हो गया भरना, पानी भरने भी गए हैं। जब आएंगे आकाश तो नहा हुआ के किताब पढ़ने के लिए बैठेंगे, तब तक हम अपना पूजा कर ले रही हूँ दोस्तों। आज मैं सूरज भगवान के जल चढ़ाई, तो आज मैं वीडियो नहीं बनाई, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो देखिए आज मैं आज थोड़ा सवेरी उठी थी, मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के थोड़ा इधर झाड़ू उड़ू लगाई, फिर उधर प्रीति लगाई, उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा हुआ के नहाने के पहले दो कपड़ा दो तीन था तो धो ली, उसके बाद नहाई, तब मंदिर में आई। और मंदिर में तब तक हम अपना पूजा मतलब कर लेते हैं, उसके बाद आकाश आएंगे तो किताब पढ़ेंगे। अभी गए हैं नीचे, तो देखिए कब तक आते हैं, तब तक हमारा पूजा मतलब पूरा कर लूँगी। तब बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, उनका वेट करना पड़ेगा आकाश का, जब आएंगे जब ही तो पढ़ेंगे। तो दोस्तों बताइएगा आज आज मेरा पूजा कैसे लगा, मेरा जयंती माता कैसे लगी। मैं जय रखी हूँ, जितना भक्ति उतना शक्ति दोस्तों, जितना होता है उतना करती हूँ। माता रानी सबके खुश रखे, उसके बाद मुझे भी खुश रखे, मेरा भी मनोकामना सारा पूरा हो सारा, उसके बाद मेरे यूट्यूब फैमिली के भी सारा आदमी के पूरा हो जाए। दोस्तों आप लोग के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, ये मत कहिएगा कि मेरा दुआ नहीं करती, आप लोग के भी दुआ करती हूँ, खुश रहे सुखी रहे, आप लोग के पास भी धन दौलत आए, उसके बाद हमारे पास भी आए, हम भी खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे। देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ आज। तो दोस्तों आज स्कंद माता का पूजा है। रात इनके पापा से बोली थी, 8 बजे बोली कि फूल उल लेते हैं ना, माला नहीं लाए हैं, ऐसे खुला फूल लाए हैं, तो ऐसे ही चढ़ा दे रही हूँ, माला नहीं लाए थे ऐसे चढ़ा रही हूँ, जो है वही चढ़ा रही हूँ। केला ला दिए आकाश, तो केला लाए हैं तब मैं चढ़ा दे रही हूँ, केला के भोग लगा दे रही हूँ, अब धूप दिखा दे रही हूँ थोड़ा। तब तक आकाश गए नहाने के लिए, अब नहाएंगे तो इतना जल्दी नहीं नहाएंगे, आराम आराम से नहाते। मैं शंख बजा
थोड़ा भूखी उखी हूँ ना, तो थोड़ा मुझसे अच्छा से नहीं बज रहा है, लेकिन मजा ले रही हूँ, जितना दम है उतना दिखा दे रही हूँ। कोनो बात ना, चलिए माता रानी की कृपा, भूखी हूँ तो थोड़ा तो वो हो ही सकता है, मतलब नहीं हल्का बजता है। तो दोस्तों मेरा पूजा हो गया, आज पांचवा दिन है, मैं काल कोई बलक नहीं बनाई थी, आज मेरा पांचवा दिन है। आज अपने माता रानी को दर्शन करा रही हूँ आप लोग से, देखिए मेरे माता रानी, जय माता, देखिए मेरे जयंती माता, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी जयंती माता। तो थोड़ा मोड़ा मतलब कहीं कहीं नहीं जामी है, मैं गिराई थी बराबर, लेकिन कहीं कहीं नहीं जामी है अच्छा से। सब बताइएगा आज मेरा पांचवा दिन कैसे लगा। आज स्कंदा माता का पूजा है, आज मैंने केला के केला वाला के तो हमेशा भोग लगाती हूँ, सेब केला का हमेशा। तो बताइएगा आप लोग मेरा पूजा कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा मेरे साथ दोस्तों। आप जो नए लोग होंगे, भाई बहन चाहे कोई भी हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना दोस्तों, ऐसे मत करना। मैं तेरसूल बनवाई हूँ, मेरा ये तेरसूल है माता रानी के, मैं छोटी मैं सोची थी कि माता रानी की तस्वीर छोटा सा बनवाने के लिए बनवाऊँगी, थोड़ा मेरा बड़ा टूट जाए माता रानी की कृपा से, पूरा हो जाए मेरा बड़ा, जब मैं पारण कर लूँगी मैं जाऊँगी तो माता रानी की तस्वीर। तो दोस्तों फिर अब काल मिलते हैं, जय माता जी।